नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले होटल स्टाइल नरम नरम और रुई जैसी सॉफ्ट इडली। रिजल्ट तो देख रहे हैं दोस्तों, इसका तरीका बहुत ही आसान है। हमें लगता है कि ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आखिरी तक वीडियो देखना है, और वीडियो कैसे लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कप जितना चावल लिया था दोस्तों, मैंने ये कटोरी का नाप लिया था। और चावल पहले 2 या 3 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है और तब भिगो के रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 कप मैंने चावल लिया, ये परफेक्ट मेजरमेंट। मैं आपको बताऊंगी 3 कप में यहाँ पे हमने 1 कप उड़द की दाल लेनी है, यही मेजरमेंट से लेना है 3 कप में 1 कप उड़द की दाल। इसे भी हमने 5-5 घंटे भिगो के रखी थी। अभी इसी मेजरमेंट से अभी देखो 3 कप चावल और 1 कप उड़द की दाल, इसका 1/2 कप यहाँ पे हमने लेना है पोहा। जो हम नॉर्मल घर पे खाते वो पोहा लेना है। इसे मैंने सिर्फ 15 मिनट ही भिगोया है दोस्तों, ज्यादा नहीं भिगोया। अभी आपको लगा पोहा किस लिए डालना, पोहा इसलिए डालना है जब हम इडली बनाते तो हमारी इडली एकदम सॉफ्ट और मुलायम होती है। तो यहाँ पे हमें पोहा इडली में कंपल्सरी डालना ही है। अभी यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लेना है। अभी यहाँ पे हमने चावल डाल देना है और इसी के साथ ही हमने उड़द की दाल डाल देनी है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे मैंने पहला ही 2 पानी से पोहा धो लिया था, वही डाल देना है सारा ही। अभी इसे एकदम स्मूथली बैटर के जैसे पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। जैसे हमें नॉर्मल डोसे में कैसे हम लोग पीसते वैसे इसे में इडली का पीसना है एकदम सॉफ्ट। अभी एक टाइट डब्बा ले लेना है ऐसे ढक्कन वाला हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे गर्म जगह पे रखना है। तो यहाँ पे हमने पहले ऐसे डब्बा ढकने वाला लेना है। तो यहाँ पे हमने पीसा हुआ जो लिया था वैसे लेना है। देखो इस तरह से एक ही लेयर में इसे गिरना चाहिए, तभी हमारी जो इडली होती है एकदम स्पॉन्जी और जालीदार होती है। तो सारी हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा बैटर पीस लिया है। अभी एक ही डायरेक्शन में 5 मिनट कंटिन्यू चलाएगी, जब तक की चलाना है जब तक ये बैटर हल्का ना हो जाए। 5 मिनट कंटिन्यू चलाते रहना इस तरह से। और बैटर की जो कंटिन्यू ये होती है एकदम एक ही लेयर में हमें चाहिए, तभी हमारी जो इडली है ना एकदम स्पॉन्जी जालीदार बनती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको ये तरीका कैसे लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। अभी यहाँ पर हमने कंटिन्यू चला लिया, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट। अभी यहाँ पे इसे मैं चमचे को थोड़ा साइड कर लेती हूँ और इसे हमें अभी 4 घंटे के लिए सेट होने को छोड़ देना है। जहाँ पे हमारी गर्म जगह होती है यानी कि बेडरूम और किचन के कोने में, वहाँ पे इसे रख लेना है। एकदम टाइट कंटेनर में रखना है, यानी हवा थोड़ी भी यहाँ पे जाने नहीं चाहिए। हवा गई तो फिर हमारा जो बैटर फूलेगा नहीं, दब जाएगा। तो इसे हमें 4 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे 5 घंटा हो चुका है, हमारा बैटर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आप देख सकते हो एकदम फुल भी गया, पहले कितना कम था अभी कितना ज़्यादा हो गया। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो आप ज़्यादा भी ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हो दोस्तों। अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ, देख रही है, वाव है ना, एकदम परफेक्ट। जैसे हमें चाहिए वैसे बैटर रेडी हो गया इडली का, देख रहे हो एकदम फ्लफी। अभी यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये बेकिंग सोडा ही डालना है, यहाँ पे खाने का सोडा नहीं डालना है। जो हम केक में यूज करते हैं वही डालना है। इससे क्या होता है इडली एकदम सॉफ्ट और रुई जैसी होती है मुलायम। तो यहाँ पे हमने डालना है। अभी इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना है। यहाँ पे हमने पानी वगैरह नहीं डालना क्योंकि इसी बैटर में से अच्छी तरह से ये घोल तैयार हो जाता है। और 5 मिनट कंटिन्यू चलाते रहना है। एक जगह मैंने पानी गर्म करने को रख लिया हुआ है। अभी आप देख सकते हो कितना कम था और कितना फूल गया है एकदम। इसी तरह से ये बैटर जी इसे ही समझ में आता है कि इडली हमारी कितनी रुई जैसे सॉफ्ट होने वाली है। हाँ दोस्तों, ये तरीका आपको कैसे लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है हमें। अभी यहाँ पे इडली का बर्तन ले लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने इडली का बर्तन ले लिया हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं, इसी तरह से। और इसे चमचे के सहायता से हमें ग्रीस कर लेते हैं। यदि चमचा नहीं होगा तो ब्रश से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से हमें ग्रीस कर लेते हैं सारी जगह। अभी यहाँ पे ऑयल से अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने बैटर डाल देना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है दोस्तों, क्योंकि इडली बहुत ही फूल जाती है। इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, इस तरह से। देख रहे हो, मैं थोड़ा ही ले रही हूँ, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम ले रही हूँ मैं। इसी तरह से हमें सारी इडली इसमें भर लेते हैं बैटर। अभी यहाँ पर मैंने इडली का बर्तन भर लिया, थोड़ा फ्लैट ही भरना है क्योंकि इडली फूल के बड़ी हो जाती, डबल हो जाती। इस तरह से हमने भरना, ज़्यादा भरना नहीं है। अब एक जगह गर्म पानी हो गया, अभी हम लोग स्टीमर में रख देना है।
अभी यहाँ पर पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया, आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, पानी को उबालने के बाद ही हमें स्टीमर रखना है, पहले नहीं रखना है। ठंडा होने के बाद आप पानी रख दोगे तो हमारी इडली फूलेगी नहीं, एकदम बैठ जाएगी, यानी फ्लैट हो जाएगी। पानी अच्छी तरह से उबल गया, अभी यहाँ पर हमने रखना है और इसे हमें सिर्फ यानी सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टीमर को छोड़ना है। अभी हमें 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो इडली हमारी कितनी परफेक्ट फूल गई है, एकदम नहीं, थोड़ा भी नहीं चिपक रहा है। अभी गैस बंद कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, इडली को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही हमें निकालना है, गरम गरम नहीं निकालना है, तो इसे एक साइड में हम निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर इडली पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है दोस्तों, ज़्यादा भी ठंडी करनी ना, हल्की गुनगुनी करनी, अभी इजीली निकल जाता है। आप देख सकते हो चमचा ले लेना इस तरह से और इजीली निकल जाता है, एकदम एकदम परफेक्ट। वाव, कितनी बढ़िया हो गई ये इडली। मैं और एक लेके बता देती हूँ आपको, इसी तरह से हमने चमचे के सहायता से खोलना है, ये निकालना है। तो यहाँ पर हमने इडली सर्विसिंग प्लेट में सर्व कर ली, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने चटनी और सांभर के साथ सर्व किया है दोस्तों। यदि आपका इसका वीडियो देखना है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं वीडियो भी अपलोड कर लूंगी सांभर और चटनी। अभी यहाँ पे हम देखेंगे इडली, देखो हमारी कितनी सफेद इडली हो गई, एकदम सफेद और रुई जैसी है, एकदम फुली फुली है। मैं तोड़ के बता देती हूँ आपको, यानी आपको समझ में आ ही जाएगा, एकदम रुई जैसी। वाव, और स्पंजी भी कितनी है, देख रहे हो, परफेक्ट, यम्मी यम्मी। तो हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे दोस्तों। धन्यवाद।